नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण, श्री राधे राधे। हमारी वीडियो में आप सब कृष्ण दासों का स्वागत है। आप जैसे जानते हैं पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी के बारे में, जो कि वृंदावन में रहते हैं और कथा चल रही है, बहुत पावन अवसर मिल रहा है सभी भक्तों को। आप देख सकते हैं काफ़ी पब्लिक आई है, काफ़ी भक्त आए हैं और सब अपने अपने फ़ोनों से की टॉर्च पे आल के वीडियो बना रहे हैं गुरुदेव की, और बहुत ही आनंद आ रहा है सभी भक्तों को। आप देख सकते हैं पूज्य श्री जो देवकीनंदन ठाकुर जी हैं, ये पहले से शुरुआत से कथा करते हैं और सबसे नंबर वन कथावाचक थे ये, और ये वृंदावन में रहते हैं, कथा अब भी करते हैं, ये बहुत बहुत दूर करते हैं। और आप देख सकते हैं देवकीनंदन ठाकुर जी के जो के आप देख सकते हैं जो ये पब्लिक है, जो भक्त हैं, ये बहुत ही आनंद से अपने भाव से कथा सुमन कर रहे हैं। और ठाकुर जी की कथा सौभाग्य से प्राप्त होती है, जिसको भी सुनने का अवसर मिल रहा है, आप सुनना और इस कथा को जीवन में उतारना, सबसे बड़ा यही है, धर्म है। और अपने छोटी से छोटी अपनी बातों का ध्यान रखें, अपने धर्म को फॉलो करें, अपने संस्कृति को फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके लिए और कुछ खास ला सकें। इनके बारे में आप कुछ भी पूछना चाहते हो तो बेझिझक आप कमेंट कर सकते हो। और आप देख सकते हैं जो कथा चल रही है, इतना आनंद आ रहा है और कुछ खास लेके आएंगे आपके लिए। और देख सकते हैं कि काफ़ी भक्त बहुत बहुत दूर से आए हैं, बूढ़ा जवान सभी आए हैं भक्त कथा सुनने के लिए। और देवकीनंदन ठाकुर जी ने व्हाइट वस्त्र पहन रखे हैं, चॉकलेटी कलर का पटका डाल रखा है, बड़े बड़े बाल हैं और सभी भक्त नाच रहे हैं। इतना सुंदर भजन गाया महाराज जी ने कि बहुत ही आनंद और सभी को आया और सभी नाचने पर बेहोश हो गए। और देख सकते हैं जो ब्रजवासी हैं, तो वो तो ठाकुर जी से इतना प्रेम करते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि ब्रज धाम किसी किसी को प्राप्त होता है, नसीब वालों को, जो ब्रजवासी होते हैं बहुत सौभाग्य से जिसके जीवन में मिल जाएँ या आ जाएँ, बहुत सौभाग्य प्राप्त है। संतों का मिलना, श्रीमद् भागवत सुनना और ठाकुर जी की सेवा बहुत नसीब से मिलती है। तो ये जो मानव तन पाया हमने, इसको व्यर्थ ना करें, क्योंकि यही तन है हमारा, यही योनि है जो 84 लाख योनि के बाद मानव योनि हमें प्राप्त होती है, और इसी से हम अपनी परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं, परमात्मा को पा सकते हैं और कुछ नहीं। तो जब तक अगली वीडियो में फिर मिलता है, जय श्री कृष्णा, श्री राधे राधे। कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें, जय श्री राधे राधे लिखना ना भूलें।